हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द माइटी ज्ञान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बच्चे के साथ अपने रिलेशन को मज़बूत कैसे बनाएं, स्पेशली मदर के साथ। क्योंकि देखिए, आजकल बहुत ही कंप्लेंस आती हैं कि भाई हमारे बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे पास बैठना पसंद नहीं करते, हम कुछ भी बोलते हैं वो सुनते नहीं हैं, पलट कर हमें जवाब देते हैं। देखिए, इसका कारण कहीं ना कहीं यही होता है कि आपके साथ आपके जो बच्चे की बाउंडिंग है वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बच्चे आपसे दूर क्यों हो रहे हैं, आपसे वो बात क्यों नहीं करना पसंद करते? क्योंकि आप उन पर कहीं ना कहीं गुस्सा करते हैं। जो चीज़ वो पसंद नहीं करते, आप वो फोर्सफुली उन पर थोपते हैं। आप अपने बच्चे को समझिए, बच्चे को पढ़िए, जो वो चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग करिए। देखिए, सब कुछ लाइफ में सब कुछ ज़रूरी है, बट सबसे पहला ज़रूरी ये है कि बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करे, बच्चा आपकी बात माने। अगर ये दो चीज़ बच्चा करेगा तो लाइफ में सब कुछ कर सकता है। लेकिन जो बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, आपकी बात नहीं मानता, तो आप उससे कुछ भी, मुझे नहीं लगता वो कुछ भी आपके अकॉर्डिंग कुछ जीवन में करेगा या कुछ भी वो कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को समझिए वो क्या चाहता है, उसको ध्यान से, उसको प्यार से बिठा के उससे पूछिए कि बेटा आप क्या चाहते हो, क्यों आप मेरे से बात करना पसंद नहीं करते। उसको दिल में उतर के उसके, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चे मम्मी पापा की या मदर्स की स्पेशल शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना पसंद करते हैं। हाँ, घर में और कितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं, या फिर मोस्टली बाहर घूमना पसंद करते हैं। तो कारण यही होता है, क्योंकि बहुत से मम्मीज़ की एक मतलब होती है कंप्लेंट्स कि भाई हमारे जो इन लॉज हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे खिलाफ़ भड़काते हैं। तो उनके भड़काने से कुछ नहीं होता। अगर आपकी आपकी डोर पक्की है, अगर आपकी डोर मज़बूत है, तो वो कुछ मर्जी करते रहे। अगर आपका प्यार आपके बच्चे में अटूट है, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बच्चे के कोई कितना भी कान भरता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, मैंने खुद देखा और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप अपने बच्चे पे जी जान छिड़केंगे ना, उसको हर चीज़ एकदम प्यार से, सलीके से, अच्छे से बताएंगे, एक रियलिटी बेस पे इसको बताएंगे, तो बच्चा ज़रूर समझेगा। अगर आप कुछ एक मतलब फेक, आपने कुछ मतलब फेक बातें उसको बोल दिया, या फिर कुछ हंसी मजाक में उसको बोल देते हो, या गुस्से में कुछ भी ऐसे ही बोल दिया, एक मतलब पहले सबसे मेन जो बात है, एक तो अपनी आप पहचान बनाइए। जब तक आप खुद को नहीं पहचानते, आप अपने बच्चे को नहीं संभाल पाएंगे। आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, सबसे पहली बात जो है अपनी रिस्पेक्ट करना सीखिए अपनी। जब तक हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो कोई दूसरा हमारी रिस्पेक्ट करने वाला है, चाहे इसमें हमारे फैमिली मेम्बर्स हो या कोई बाहर का हो या फिर हमारे बच्चे ही हो। सबसे पहले आप अपनी रिस्पेक्ट करना सीखिए। जो इंसान अपनी रिस्पेक्ट करता है, तभी लोग उसकी, बाहर वाले तब उसकी इज्जत करते हैं, अदरवाइज सब उसको हल्के में लेते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो या फिर बाहर के लोग हैं। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करे, तो अपने कुछ अपने लाइफ के कुछ रूल रेगुलेशन बनाइए, उसके हिसाब से आप खुद चलिए, कि जो जीवन में एक नैतिक मूल्य होते हैं उनका पालन कीजिए। जब आप जब ये सब करेंगे, तभी आपकी कोई रिस्पेक्ट करेगा। आप ये नहीं आप बोल कुछ रहे हैं, अगर आप बोलते कुछ और आप करते कुछ है, तो ये सब चीज़ें बच्चा भी नोटिस करता है। बच्चा कहीं ना कहीं ये सोचता है, मजबूर हो जाता है सोचने पे कि मम्मी पापा बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो ऐसे में वो आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी इज्जत करे, तो सबसे पहले आप उसके मन में उतरिए, उसके बिल्कुल डीप लेवल पे जाके उससे पूछिए, बेटा आप क्या चाहते हैं, क्यों आप ऐसे रहते हैं, क्यों आप इतने उखड़े उखड़े रहते हैं। अब कई पेरेंट्स मम्माज की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा बच्चा टीवी बहुत देखता है, फ़ोन बहुत देखता है। तो कहीं ना कहीं जब वो छोटा था, हमने उसे इन आदतों में लगाया है कि बेटा हम ये काम कर लेते हैं, आप तो थोड़ी देर टीवी देख लीजिए या थोड़ी देर फ़ोन देख लीजिए। जब वो बच्चा उसका हैबिचुअल हो जाता है, फिर हमारे लिए वो प्रॉब्लम बन जाती है। फिर हम सोचते हैं अब ये क्या हो गया, अब ये फ़ोन और टीवी छोड़ता ही नहीं है। तो आप अगर ऐसा आपके साथ भी है, तो उस बच्चे को प्यार से समझाइए या एक टाइम फिक्स कर दीजिए, क्योंकि देखिए किसी को कोई जब आदत पड़ जाती है, वो एकदम से नहीं छोड़ने वाला है। एकदम से अगर आप सोचेंगे बच्चा एकदम से छोड़ दे, तो वो एकदम से बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा।
धीरे धीरे आप उसको बोलिए, बेटा हर समय टीवी देखना या हर समय फ़ोन देखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे आप आँखों पे भी आपकी असर पड़ेगा, आपकी आई साइट ख़राब हो सकती है, आपकी आईज़ वीक हो सकती हैं, या आपको मतलब ये आपके लिए सेफ़ नहीं है। आप उसको प्यार से समझाइए, बेटा आप जो इतने समय देखते हैं इसको आप थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए उसको। अगर बच्चा आधा घंटा या एक घंटा फ़ोन देखता है, रेगुलर देखता है, तो आप बच्चे को बोलिए, बेटा आपको 15 या 20 मिनट मिलेगा। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा कर करके उससे हटा सकते हैं। अगर एकदम से आप छीना झपटी करके बच्चे को डांटते हैं तो वो आपसे नाराज़ होगा। अगर आप बी केयरफुली और बहुत प्यार से बच्चे को समझाएंगे, धीरे धीरे समझाएंगे, कोई भी बात है किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को समझाना, तो उसको प्यार से बैठा के उसको उस चीज़ के बेनिफिट और उस चीज़ के नुकसान और लाभ जो भी हैं आप सब कुछ बताइए। तब बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ मम्मी क्या बोल रही हैं, ये मेरे लिए सही है गलत। अगर आप डायरेक्टली उसको मार पीट करते हैं या बुरे तरीके से डांटते हैं तो बच्चा आपसे बिल्कुल दूर होएगा। ये सब आपने नहीं करना। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे के साथ बाउंडिंग बनाना, अपने रिलेशन को मजबूत करना, तो बच्चे के बिल्कुल दिल में उतरिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो पहले वाले बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए ये आपके भी ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि देखिए बच्चे ही हमारे जीवन में सब कुछ होते हैं। जब बच्चे अच्छे ट्रैक पे हैं तो हमारी लाइफ संतुष्टि होती है, हमें अंदर से हाँ हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। अगर बच्चे कहा हमारा नहीं मानते तो बहुत अंदर अंदर तकलीफ़ होती है, बहुत पेन होता है। अगर आपके बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो आपका बच्चा आपका जैसे बाहर के लोग, जैसे इन लॉज हैं या हस्बैंड है या फिर कोई भी है बाहर के जो लोग होते हैं, अगर वो बच्चे को आपके बारे में कुछ बोलेंगे भी ना, बच्चा तुरंत की तुरंत उसको जवाब देगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मेरी मम्मी तो ऐसी है ही नहीं। तो आप ऐसा करिए ना जो बच्चा चाहता है, अपने बच्चे को प्यार से समझाइए, उसके दिल में उतरिए, उसकी फीलिंग समझिए उसकी। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा एक अच्छी, उसका फ्यूचर सिक्योर हो, उसका एक अच्छा वो इंसान बने, तो सबसे पहले आपके साथ उसकी बाउंडिंग अच्छी, क्योंकि देखिए एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को चोर भी बना सकती है और राजा भी बना सकती है। क्योंकि माँ सबसे ज़्यादा अपने बच्चे का, एक माँ का रिश्ता सबसे ज़्यादा मेन होता है जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में जो माँ होती है ना, उसकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। घर की फैमिली मेम्बर्स भी कहीं ना कहीं उसको लाड़ प्यार के चक्कर में, इन लॉज भी होते हैं कि लाड़ प्यार के चक्कर में वो कहीं ना कहीं, अगर घर में उसकी मम्मा के साथ इन लॉज को दिक्कत है, तो वो बच्चे से ही मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो ऐसी ऐसी चीज़ें घर में हरकतें करवा देते हैं कि मम्मी को वो बात बहुत चुभती है। फिर जो मदर है वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो जाती है कि ये मेरे साथ अब क्या हो रहा है, मेरा तो बच्चा भी अब मेरा नहीं रहा। तो ये चीज़ बहुत ही दुख देने वाली हो जाती है। तो कम से कम आप अपने बच्चे को, बस बच्चे को पकड़िए आप, क्योंकि वो तो आपका फ्यूचर है, वही आपकी नींव बनेगा, वही आपको आगे जाके स्ट्रेंथ बनेगा आपकी। तो इस चीज़ को आप समझिए, अपने बच्चे से प्यार कीजिए, उसके दिल में उतरिए अपने बच्चे के, कि वो आपके बगैर एक सेकंड भी ना रह पाए। तो बस यही थी मेरी पर्सनली राय आज की। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब